हेलो दोस्तों, ये जो भीड़ मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जनता की भीड़ गोरखपुर जिला खोराबार से है। तो मेरी इस वीडियो को, इस भीड़ की वजह जानने के लिए आप मेरी वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और उसके बाद अपनी टिप्पणी है जो अपनी बातें हैं मैसेज द्वारा, इस पर रखिए। आप देख सकते हैं जो मेरी स्क्रीन पे पूरी वीडियो है। बाबू जी, अब आप आखिरी में आप उपसंहार कर दीजिए। हाँ, आप इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और जनता को उनका न्याय दिलाने के लिए एक साथ एकजुट करके सरकार का सामना कर रहे हैं। तो चलते चलते अब हम चाहेंगे कि पूरे विषय वस्तु को आप कुर्सी पर बैठ जाइए ना, और विस्तार से, बहुत लोग देख रहे हैं बाबूजी, बहुत लोग देख रहे हैं। हाँ, तो पूरी बात संक्षेप में 2-3 मिनट में, जैसे आखिरी में कोई जानना चाहे कि पूरा मुद्दा क्या है, तो वो मुद्दा आप सब बताइए। हाँ, मुद्दा महाराज जी कुछ नहीं है, ये सरकार या ये प्राधिकरण विभाग ने एक इशू बनाया है। यह नहीं देख रही है कि जो आदमी गरीब आदमी है, जमीन बैनामा लिया, खारी दाखिल कराया, मकान बनवाया, अब अपने पूरे परिवार के साथ रह करके शिक्षा दीक्षा करा रहा है। जब आपको कुछ कोई भी सरकार कहीं कुछ लेना चाहती है तो वो पहले अपना प्रस्ताव पारित करती है, लोगों के बीच में जाती है, वो बताती है कि मैं ये जमीन को अधिग्रहण करना चाहता हूँ। जनता का विरोध होता है, उनको सामना करना पड़ता है, या जनता का समर्थन होता है, यही इसकी हमारी समस्या यही है। जनता के बीच में कहीं ये सरकार के लोग नहीं गए, किसी को मालूम नहीं। तो संयोग से कहिए, किसी भी तरीके से 2019 में नोटिस आया, आलू जाने की हाँ तो दादा GDA में है। तब से लोगों के अंदर इतनी बौखलाहट है, लोग रात में खा नहीं रहे, बुजुर्ग आदमी परेशान हो जा रहे हैं, नींद नहीं आ रही किसी को। मैं सरकार से यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप जगे, आज सबको जगाने दें, आप जिए, सबको जीने दें, क्योंकि सरकार की ये मनसा है और हमारे ये मानव जीवन में ये है कि रोटी, कपड़ा और मकान हर आदमी के लिए यह जरूरी है। तो ये तो मैं यही कहूँगा कि जो मकान जहाँ बनाए हैं उनको वहीं रहने दिया जाए, जो खाली ज़मीनें हैं उनको एक्वायर करें और उनको अधिग्रहण में रखें, और जो मकानें बनी हैं अधिग्रहण की आपकी मनसा है तो अधिग्रहण मत करें, उनको मुक्त। जैसे लोगों को लगेगा कि आपने अवैध तरीके से अपना घर बना लिया है। नहीं, मैंने कि सड़क के किनारे कोई आदमी गुमटी नहीं रख पा रहा है प्रभु, ठीक बात है। तो ये जनता है, किसी को रहने नहीं देगी। और वही 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 हम चाहते हैं विस्तृत। अब आप इस बात को रखिए कि ये जो कोई बात नहीं, जो हम लोग इस जमीन को रजिस्ट्री कराकर, रजिस्ट्री शुल्क देकर, खारिज दाखिल कराकर, जबकि खारिज दाखिल कराने में 90 दिन का समय लगता है, उसके अंदर तारीख पड़ता है, वकील बहस करता है, उसके बाद खारिज दाखिल होता है, उस समय क्यों नहीं रोक लगाया? अगर उस समय रोक लग गया होता तो हम लोग ये जमीन नहीं लिए होते और आज इस मुसीबत में हम लोग नहीं पड़ते। तो इसमें जो जिस विभाग से आप रजिस्ट्री विभाग से जी जो रजिस्ट्री कराते हैं, उनको फीस जमा करते हैं जी, उनके पास भी तो जमीन का ब्यौरा रहता है ना कि कौन सी जमीन किसके हक में है, कौन उसका स्वामित्व। उसके बाद भी रजिस्ट्री, अगर आपकी जमीन है और हमने किसी भी वजह से रजिस्ट्री करा लिया है तो उसमें रजिस्ट्री विभाग भी तो दोषी है ना, कि एक बार जमीन, एक जमीन पे दो बार रजिस्ट्री कैसे हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा चीज साहब, किसी को इन्होंने सूचना नहीं दिया, अपने मर्जी से ये हमारा जमीन है, हम भी बोल देंगे कल तो गोरखपुर पूरा मेरा है, तो एक सरकार मान जाएगी? वो जो बोल रहे हैं कि ये जमीन हमारा अधिग्रहण हो गया, हम ले लिए, कैसे ले लिए भाई? कोई उसका सबूत होना चाहिए ना हमारे पास, कोई हमको सूचना नहीं दिए, कोई खबर नहीं दी है, बोल दिया हमारा जमीन है और हम बोलते कि आपका जमीन नहीं है, मेरा है, मेरा हमारा तो पूरा गोरखपुर मान जाएंगे लोग। गोरखपुर विकास प्राधिकरण का कहना है कि इस जमीन का जो काश्तकार था उसके खाते में हमने पैसे डाल दिए हैं। किसी के खाते में नहीं, खाते में नहीं सर, बोल रहा है RD में डाले हैं, RD में जमानी उसका कहना है, मतलब ऑफिस में जमा है, आप लोग वहां से ले सकते हैं। काश्तकार अब हम हुए ना, इनके अधिग्रहण के पहले हम लोग मकान ले लिए, इंतखाम में हम लोग का नाम था, सब कुछ था, रजिस्ट्री कराए, खारिज दाखिल हुआ, अधिग्रहण करना चाह रही है ये सरकार। 4-5 डिसमिल हम लोग जमीन लिए, मकान बनाने के लिए, बिहार से आया, हम लोग खेती करने के लिए नहीं लिए,
ज्यादा से ज्यादा 3 डिसमिल 4 डिसमिल या ज्यादा से ज्यादा 5 डिसमिल लोग लेकर अपना मकान बना के अपने बच्चों के साथ यहाँ रह रहे हैं, और ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये तो नाजायज है, ये कहाँ का इंसाफ है? आप कुछ कहना चाहते हैं? बात तो रख दिया था आपने ना, तो इसी के साथ हम लोग अब यहाँ पर इस सब बातचीत को यहाँ विराम देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो लोग बाद में जुड़े होंगे उन्हें भी पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप फिर से एक बार देखेंगे, सारा विषय आप समझ पाएंगे। हम सब इस बातचीत के माध्यम से इस वस्तु स्थिति को आप सबके सामने प्रस्तुत करके सिर्फ ये चाहते हैं कि सरकार में जो संवेदनशील लोग हैं, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे जो भी इस पूरे प्रक्रिया से जुड़े जो अधिकारी हैं, उनके ध्यान में ये बात जाए, क्योंकि हर बड़ा अधिकारी वस्तु स्थिति आकर के मौके पर सब कुछ देख नहीं रहा है, जान नहीं रहा, समझ नहीं रहा है। वो अपने लोगों के द्वारा खाली जो उनका निर्णय है चाहे जो उनकी योजना है उसको अमलीजामा पहनाने के लिए फरमान जारी करते हैं, लेकिन जब वस्तु स्थिति में आप आके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि सरकार अगर अपना हित चाहती है, अपना लाभ कमाना चाहती है, तो उसके इस मंशा के कारण आम आदमी का कितना बड़ा नुकसान होगा, जिसकी भरपाई न कोई सरकार कर सकती है, न 2, 4, 10, 20 साल में कोई व्यक्ति स्वयं कर सकता है। तो ऐसे आके देखें, आपकी वीडियो देख ले, उनको समझ में आ जाएगा। अगर वो न आके मौके पे देख पाए और सिर्फ आपकी पूरी वीडियो देख ले तो सारे जनमानस की स्थिति को और मकानों की स्थिति को समझ सकता है। एक ही है हम लोगों का कि मकान छोड़ दिया जाए। अगर ऐसी परिस्थिति आएगी कि अगर हम लोगों की मकान गिराई जाएगी तो वह जो है हम लोगों के परिवारों के ऊपर चला जाए, बम चलाई जाए, बम चलाना या चाहे उसको जो है बुलडोजर जो है हम लोगों के पूरे जंगल सिकरी और खोराबार के जितने हमारे परिवार हैं, ये हमारे सब परिवार हैं, इनके द्वारा जो है हम लोगों के ऊपर या तो बम वर्षा करवा दिया जाए या नहीं तो बुलडोजर हम लोगों के ऊपर चलवा दिया जिससे इस संसार को हम लोगों को देखने के लिए न मिले। हम लोग अपना न मकान छोड़ेंगे नहीं, और किसी हालत में सरकार का हर तरीके से सामना करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत आसान नहीं है हमारी जमीन मकान को। इन्हीं बातचीत के साथ हम यहाँ पर विराम लेते हैं। आप सब देखें, सुने, इसे शेयर करके जनमानस में इनकी लड़ाई के लिए उन्हें खड़ा करें, समर्थन करें, टिप्पणी में अपनी राय लिखें और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पेज को टैग कर दीजिए, ताकि उनका सोशल मीडिया जो टीम है, जो उनके लोग हैं, वो इस विषय को गंभीरता से मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएं और इनके साथ न्याय हो, जो अन्याय हो रहा है वो न हो। हरी कृपा बना रहे। सीताराम, नमः शिवाय, हरे कृष्णा। आपने जो वीडियो देखी, आप पूरी वीडियो को गोरखपुर लाइव चैनल पर, फेसबुक पर एक पेज है गोरखपुर लाइव चैनल है, जिसमें आप 7 जुलाई का रिपोर्टिंग देख सकते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जनता की क्या राय है, जनता क्या चाहती है, सब उसके बारे में बकायदे लिखा हुआ है, दिखाया गया है। तो आप सुन के अपनी टिप्पणी करिए फ्रेंड।